आप उन्हें दुनिया का सारा प्यार देते हैं, अच्छे से अच्छा खाना खिलाते हैं, पर अगर आप उनकी स्किन टाइप नीड के अकॉर्डिंग सही शैम्पू यूज़ नहीं कर रहे हैं तो अनजाने में आप उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हेलो पेट पेरेंट्स एंड पेट लवर्स, आई एम निधि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द टेल्स टेल, जहां हम करते हैं अनबॉक्स, रिव्यू एंड रेकमेंड पेट प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। हमारे पेट्स काफ़ी एक्टिव और अजाइल होते हैं और खेलते समय गंदे और स्मेली हो जाते हैं। फॉर दोज परफेक्ट कडली सेशंस, ज़रूरी है कि आप उन्हें साफ और फ्रेश रखें। आप उन्हें दुनिया का सारा प्यार देते हैं, अच्छे से अच्छा खाना खिलाते हैं, पर अगर आप उनकी स्किन टाइप नीड के अकॉर्डिंग सही शैम्पू यूज़ नहीं कर रहे हैं तो अनजाने में आप उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे डॉग शैम्पूस के बारे में, और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है अपने डॉग के लिए बेस्ट शैम्पू का सजेशन आपको इस वीडियो में मिल जाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग पेट वीडियोस। शैम्पू पेट की स्किन से डर्ट और एक्स्ट्रा ऑयल को साफ करता है, और मैं समझ सकती हूँ कि अपने पेट के लिए बेस्ट शैम्पू चूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, स्पेशली जब मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हों। सभी पेट पेरेंट्स की तरह स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन दे दूं और आपके पेट के लिए बेस्ट शैम्पू कौन सा है ये डिसाइड करने में आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूं। शैम्पू लेने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको जान लेने चाहिए, जैसे कि पेट की स्किन का कंसर्न, हेयर फॉल, शाइन, टिक्स एंड फ्लीज या फिर कोई एलर्जी। कोट टाइप, जैसे कि शॉर्ट, मीडियम, थिक कोट या फिर कोट डेंसिटी या फिर कोट कलर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, ध्यान रखिए कि आपके पेट के शैम्पू के अंदर में सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हों, जैसे कि शिया बटर, ओटमील, लैवेंडर, कैमोमाइल। उसके अंदर कोई सल्फेट या पैराबीन्स नहीं होने चाहिए क्योंकि ये आपके पेट की कोट को ख़राब कर सकते हैं। शैम्पूज़ तो मैंने काफ़ी सारे यूज़ किए हैं, पर आज मैंने पिक किए हैं टॉप 5 शैम्पूज जो मुझे लगता है आपके डॉग के लिए मोस्ट सूटेबल रहेंगे। इसमें है रेगुलर शैम्पू, अ शैम्पू स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर डॉग्स कोट कलर, एंड अ शैम्पू टू डील विद टिक्स एंड फ्लीज। फर्स्ट ऑन माई लिस्ट इज वाल 4-in-1 शैम्पू एंड कंडीशनर, जो करेगा आपके पेट की स्किन को क्लेंस, कंडीशन, मॉइस्चराइज एंड डिटैंगल सब एक साथ। इस शैम्पू में थिक लादर फॉर्म होता है, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज़ एनरिच्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, दैट इज लैवेंडर एंड कैमोमाइल। दिस शैम्पू इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड कैन बी यूज्ड रेगुलरली। सेकंड शैम्पू जो मैंने चूज किया है वो है हिमालय एरिना ईपी टिक एंड फ्ली शैम्पू। दिस वर्क्स बेस्ट अगर आपके डॉग को टिक एंड फ्लीज की वजह से इचिनेस और इरिटेशन हो गई है। इसमें की इंग्रेडिएंट्स हैं नीम एंड यूकलिप्टस। नीम एंटी फंगल होता है जो स्किन की रेडनेस और इरिटेशन को कम करता है। इट हेल्प्स डील विद बैक्टीरियल एंड फंगल स्किन इन्फेक्शंस। यूकलिप्टस में एंटीसेप्टिक और जर्मसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं जो इंसेक्ट्स को पेट की स्किन से दूर रखती हैं। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने टिक एंड फ्लिक कॉलर की इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस किया था, और अगर आप वो कॉलर ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह के टिक एंड फ्ली शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड शैम्पू मेरी लिस्ट में है ट्रिक्सी एलोवेरा शैम्पू। एलोवेरा स्किन के नेचुरल मॉइस्चर को रिटेन करता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आपके डॉग को कोई स्पेसिफिक एलर्जी नहीं है तो ये रेगुलर शैम्पू उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और हाँ, इसे आप सेंसिटिव स्किन पर भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। फोर्थ शैम्पू है मेरी लिस्ट में पेरो गार्डियन प्रोफ्यूज कोटिंग शैम्पू, जो मैं करंटली अपने बीगल डॉग के लिए भी यूज़ कर रही हूँ। इट इज़ अ कॉन्सेंट्रेटेड शैम्पू जो है हाइपो एलर्जिक एंड कलर एनहांसिंग। ये डॉग के कोट को एसेंशियल फैटी एसिड से रेप्लेनिश करता है और सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। इनफैक्ट आप इसे पपीज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट शैम्पू है बीफर एलोवेरा शैम्पू फॉर ब्राउन कोट्स। बीफर स्पेसिफिकली डॉग कोट कलर के अकॉर्डिंग शैम्पू बनाती है, फॉर एग्जाम्पल वाइट कोट्स एंड ब्राउन कोट्स। दिस पर्टिकुलर शैम्पू इज फॉर्मुलेटेड फॉर लाइट टू डार्क ब्राउन कोट डॉग्स, एंड आई यूज दिस फॉर माई बॉक्सर डॉग।
This is pH balanced and it has a natural ingredient aloe vera. This shampoo is suitable for sensitive skin dogs. I have tried listing shampoos with most natural and essential ingredients. Cats and dogs' shampoos are similar. Unme sirf kuch ingredients ki quantity different hoti hai. However, har pet alag hota hai aur use kisi particular ingredient se allergy ho sakti hai. To jab bhi aap apne pet ke liye koi naya shampoo laye to use ek din tak zarur monitor kare. Use pet ki skin pe pura na laga ke sirf paw pe try kare aur agar wo use suit kare tabhi use puri skin par lagaye. I hope मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपके डॉग के लिए सही शैम्पू चूज़ करने में आपकी थोड़ी हेल्प कर दे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे मेरे नए इनफॉरमेटिव पेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। And yes, don't trouble, just cuddle your pet.